वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हेनरीज लॉ। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की किसी सॉल्यूशन में वो इंक्रीज होती है प्रेशर के साथ। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब जो इस लॉ के हिसाब से हमें क्या मिला, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। कोई भी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन के। अब पी इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो ये आ जाएगा, प्रोपोर्शन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां आ जाएगा। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पे क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरीज कांस्टेंट के। आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।